अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज तो सुबह सुबह ही बारिश होने शुरू हो गई है। बहुत ही ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं और बारिश अच्छी हो रही है। अभी शुरू हुई है बारिश, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। तो अभी हम अपने परिंदों के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है। सेटअप पे जाने से पहले जनाब उमर साहब से आपको मिलवा देते हैं। चेक करें ये सुबह सुबह कहाँ पे लटके हुए हैं। उमर साहब, उमर साहब कैसे हो? तो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम अपने सेटअप पे। तो अभी भी बारिश हो रही है। हमने अपनी जो गायें हैं उनको निकाल दिया है, बाकी हमारे परिंदे वगैरह अभी बंद हैं। इंशाल्लाह से हमारी गाय बिल्कुल तैयार है। अभी दिखाते हैं आपको परिंदों का जो छप्पर हमने डाला हुआ है, बिल्कुल ही गीला हो चुका है। बारिश हल्की अभी भी हो रही है, तो हम देखते हैं सिचुएशन और उसके बाद फिर अपने परिंदों को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, तो हमने अपनी जो गाय है उसको भी अंदर बांध दिया है और अपनी जो तमाम दूसरी छोटी गाय हैं हमारी दो, तो उनको भी अंदर बांध देंगे। ये चेक करें, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। हमारा बेरी का दरख्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा फल उठाया हुआ है इसने। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। हमारी जो भेड़ियाँ हैं ये भी बुला रही हैं कि हमें भी अंदर कर दो। तो भाई, आपको भी अंदर कर देते हैं, परेशान क्यों होती हो? कहती है हमारी अम्मा जो अंदर चली गई हमें भी अंदर करो, तो इनको भी अंदर कर देते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी तो फिर बाहर कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी बारिश रुक गई है, हम ताज़ा और फ्रेश पानी लेके जा रहे हैं और अभी अपने परिंदों को पानी डालते हैं और आपको तमाम परिंदों का ओवरव्यू भी दिखा देते हैं कि किस तरह हैं हमारे परिंदे। माशाल्लाह से बाहर जितनी भी बारिश है अंदर नहीं जाती, हमारे परिंदे बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, क्योंकि हम पहले नीचे तरपाल लगा के फिर उसके ऊपर शॉपर लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे परिंदे ओपन हो चुके हैं। एक बार हम अपने तमाम परिंदों को चेक कर लेते हैं, ये किस तरह है। माशाल्लाह से ठीक है, तो तमाम परिंदों को ओवरव्यू करवा देते हैं आपको भी। तो माशाल्लाह से इस कलोनी से जो बच्चे बड़े हो गए थे वो तमाम अभी बाहर आना शुरू हो गए हैं। ये रही जनाब हमारी डायमंड डव, इसके ऊपर हमारी है फिंचिस। इसके आगे भी बड़ी कलोनी है हमारी, ये भी इसमें हमारी फिंचिस हैं। फ्रेंड, फिंचिस अभी तक हमारी ब्रीड नहीं कर रही, बाकी हमारे तमाम परिंदे माशाल्लाह से ब्रीड कर रहे हैं। अभी जनाब ये हमारी बज्जीज की बड़ी कलोनी है, जो इसकी भी आपको अपडेट कल दी थी हमने। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, इसमें तो एक बच्चा बाहर भी आ चुका है, नीचे उतर चुका है बच्चा। माशाल्लाह बहुत ही यूनिक कलर और खूबसूरत बच्चा है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ इसको हाथ में उठा के आपको इसका दिखाता हूँ कलर्स वगैरह। अगर ये मेरे पास आता है तो मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर लग रहा है मुझे तो।
अभी जनाब हम डालने लगे हैं पानी, और माशाल्लाह से ये मेरा छोटा भाई है, इसको स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो ये हमारा हाथ बटा रहा है काम में। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे छोटे भाई ने इस हमारे जो पेयर है डायमंड डव का, इसको पानी डाला है, तो इसने बताया है कि इन्होंने अंडा दिया हुआ है। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये फर्स्ट एग दिया है इन्होंने, माशाल्लाह से न्यू पेयर लगा है। वाओ माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल फ्रेंड्स, ये इन्होंने अंडा दिया हुआ है। अभी जनाब ये देखें, चेक करें, ये दोबारा आके अपने अंडे पर बैठ गए हैं। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे सेटअप पर, क्योंकि ये हमारे अपने घर के पले हुए बच्चे हैं, इनका हमने पेयर लगाया था और माशाल्लाह से इन्होंने एग्स दे दिए हैं। फ्रेंड्स, ये है वो बच्चा जो हमारी कॉलोनी में उतरा हुआ था, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है इसका। शौक करें दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है। दोस्तों, आज सारा दिन सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी है। अभी देखें, थोड़ा सा मुखड़ा दिखा रहा है सूरज अपना, और फिर बादल आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन रही है आज की। तो फ्रेंड्स, अभी शाम होने वाली है, हमारी बकरियां भी जो है ना घूम फिर के वापस आ चुकी है। आज छोटा भाई लेके गया हुआ था। तो ये थी आज की मज़ेदार सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।